नमस्कार। भारत और चीन के बीच में वार लगभग डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कंफर्म हो चुका है कि अब फ्यूचर में बहुत जल्दी भारत और चीन के बीच वार होगी। हमारा पिछले 35 साल का फॉरेन पॉलिसी समझने का जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अब युद्ध होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अब ये कब होगा फिलहाल ये बताना मुश्किल है, लेकिन आप एक चीज फाइनल समझ लीजिए कि चीन अमेरिका वार हो ना हो, लेकिन फ्यूचर में हमें भारत चीन वार बहुत जल्दी नजर आ रही है। हाँ, अगर 2024 में मोदी चुनाव हार जाए तो शायद हो सकता है कि भारत सरकार फिर चाइना के आगे नतमस्तक हो जाए और चाइना की सारी बातें मान ले और वार रुक जाए। लेकिन जब तक मोदी है तब तक गारंटी है कि चीन से वार होगी होगी, भले वो 2 साल में हो, 4 साल में हो, या मोदी 5 साल बाद भी जाएंगे तो ऐसा माहौल बना कर जाएंगे कि चीन से फ्यूचर में वार होनी लगभग तय है। चीन ने इंडियन ओशन में इतनी तेजी आज तक कभी नहीं दिखाई। अभी आप देख रहे हैं कि चीन बहुत तेजी से इंडियन ओशन में अपने आर्मी बेस, नेवी बेस खड़ा कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, कोको आइलैंड हो बर्मा, या थाईलैंड हो, या श्रीलंका हो, मालदीप हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह चीन अपने नेवी को लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, अमेरिका इस वार में नहीं आएगा। चीन के पास 80 सबमरीन है, वही हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि वो इंडियन ओशन में आ सकता है। हमारी 18 पनडुब्बी चीन की 80 सबमरीन का जवाब नहीं दे सकती। हालांकि भारत के पास में P-8 पनडुब्बी किलर कुछ विमान मौजूद हैं और कुछ 30 ड्रोन भी भारत ने खरीद रहा है, ये सब पनडुब्बी किलर हैं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ये चीन की 80 सबमरीनों के लिए काफी नहीं है। हमें कम से कम इस समय 10 परमाणु सबमरीनों की सख्त जरूरत है, जो कि भारत को 1 या 2 साल के अंदर चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। हमने हिमालय की साइड से अपने को बहुत मजबूत किया, इसलिए चीन अच्छे से जानता है कि भारत को दोनों तरफ से घेरना है। हिमालय में यदि वार होती है तो इंडिया जो है इंडियन ओशन में जरूर चाइना का रूट रोकेगा, और वहां पे ये कंफर्म है कि अमेरिका कुछ न कुछ साथ इंडिया का जरूर देगा। भले ही अमेरिका वार में डायरेक्ट ना आए, लेकिन पीछे से मदद जरूर करेगा, और ये चाइना जानता है, इसलिए वो इंडियन ओशन में मजबूत कर रहा है अपने को। और मुझे लगता है कि चाइना जिस स्पीड में अपने को इंडियन ओशन में मजबूत कर रहा है, भविष्य में बराबर की टक्कर हो जाएगी चीन और भारत की इंडियन ओशन में। अभी हम चीन पर भारी पड़ते हैं इंडियन ओशन में, अभी इंडियन ओशन में चीन हमें नहीं हरा सकता, लेकिन 4 साल बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि चीन बराबर की टक्कर देगा हमें इंडियन ओशन में। देखिए, चीन को वार में हराना है तो इंडियन ओशन में कंट्रोल चाहिए भारत का, जो कि भारत का प्रभाव क्षेत्र है उस एरिया में। अगर भारत वहां पे चीन का रूट रोकने में सफल हुआ तो सोच लीजिए कि चाइना भारत से हार जाएगा, लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा चाइना भारत से। लेकिन अगर इंडियन ओशन में बराबर की टक्कर होती है भारत और चाइना के बीच में, तो चाइना को हराना बहुत मुश्किल है, हिमालय की साइड हो चाहे इंडियन ओशन में हो। देखिए, हिमालय पे जो प्रेशर भारत के ऊपर पड़ेगा वार के समय में, तो भारत उसी प्रेशर को चाइना के ऊपर शिफ्ट करने के लिए इंडियन ओशन का प्रयोग जरूर करेगा, और ये चीन अच्छे से जानता है। आपने भारतीय मीडिया को सुना होगा कि वो कहती है कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब चीन का विरोध करेंगे, कोई भी चीन का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इन देशों की सरकार में जो लोग बैठे हैं वो चाइनीज समर्थक लोग ही हैं। इसलिए उस रूट से, स्टेट ऑफ मलक्का के रास्ते से अगर चाइनीज पनडुब्बियां इंडियन ओशन में आती है तो कोई भी देश नहीं रोकने वाला, रोकेगा तो केवल भारत ही। देखिए, चाइना कितनी जगह से भारत पे हवाई हमला कर सकता है। हिमालय की तरफ से थोड़ा कम करेगा क्योंकि वहां पे थोड़ा मौसम की प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान से, श्रीलंका से, यहां तक कि बांग्लादेश से, म्यांमार से,
थाईलैंड से चाइनीज फाइटर जेट भारत पे अटैक कर सकते हैं। यानी सीधी बात है कि चाइना अपने घर से 5000 किलोमीटर दूर आके इंडियन ओशन में आके और अपने फाइटर जेटों से भारत पे हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे ही घर पे चीन को हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां मिल जाएंगी हम पे हमला करने के लिए। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, ये सब हमारा ही घर है और यहीं से चीन के फाइटर प्लेनों के लिए जमीन मिल जाएगी या मिल चुकी है। चीन लगभग हमारे ही घर पे हमारे ही बराबर में खड़ा होने वाला है इंडियन ओशन में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि बाई ऑफ बंगाल में भारत बार बार मिसाइलों का टेस्ट करता रहता है क्योंकि भारत इस चीज को अच्छे से समझ लिया और हमारे देश की जनता भी लगभग समझ रही है। लेकिन सभी लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि युद्ध लगभग तय है। अब ये कब होगा अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन कन्फर्म है कि युद्ध तय है क्योंकि मोदी झुकने को तैयार नहीं, चीन की बात मानने को तैयार नहीं और मोदी को झुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि बार बार नतमस्तक होके रहना ठीक नहीं है, ये गलत है। हमने कांग्रेस के समय में देखा भारत जो है चीन के सामने नतमस्तक हो जाता था, हालांकि वो मजबूरियां थी क्योंकि भारत की दुश्मनी उस समय अमेरिका से चलती थी, लेकिन चीन के सामने भारत को मजबूर होना पड़ता था। लेकिन मोदी आए तो अमेरिका के सामने भी नहीं झुके और चाइना के सामने भी नहीं झुके। यानी भारत चीन लड़ाई होती है, भारत को नुकसान हो चाहे चाइना को नुकसान हो, अमेरिका पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कितनी मदद करेगा भारत की, केवल हथियार सप्लाई करेगा और कुछ अपने उपग्रहों से भारत को लोकेशन देगा, इससे भारत को जबरदस्त फायदे होंगे। चीन के पास में 300 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद है और भारत के पास में इतने नहीं है, इसलिए हमें अमेरिका की सहायता की आवश्यकता बिल्कुल है और अमेरिका लोकेशन देगा भी, इतना ही मदद करेगा, इससे ज्यादा अमेरिका भारत की कोई मदद नहीं करेगा। ये वार भारत को अकेले ही लड़नी होगी। देखिए हिमालय की साइड से हम चीन को बराबर की टक्कर देते हैं, कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, चीन का पल्ला थोड़ा भारी नजर आता है। इंडियन ओशन में अभी हम ताकतवर हैं, लेकिन 4 या 5 साल के अंदर अंदर चाइना हमारे बराबर पे खड़ा हो जाएगा, इसलिए भारत को अभी से बहुत तेजी से इतने प्रयास करने होंगे कि चीन वहां पर हावी ना हो। और श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों पे प्रेशर देना होगा कि आप अपनी जमीन चीन को नहीं देंगे युद्ध लड़ने के लिए। बहुत जल्दी नेपाल भी चीन को अपनी जमीन देगा, 2 साल में दे चाहे 3 साल में दे, क्योंकि नेपाल में चाइना ने वो माहौल खड़ा कर दिया है कि नेपाली जनता खुद ही तैयार हो जाएगी चीन को अपनी जमीन देने के लिए, भारत पे अटैक करने के लिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस वजह से लग रहा है कि भारत चीन का युद्ध भविष्य में तय है, उन कारणों को हम आपको बताएंगे कि किस कारण भारत और चीन का युद्ध होगा ही होगा। धन्यवाद।